ंग टू ऑल ऑफ़ यू डयर स्टूडेंट्स हैज़ बी डिस अबाउट यू नो कि हम लोग देयर इज अस्टोरी बॉक्स एंड देर इज अर यू नो की समन परसन है स्पेशल राइट लाइक यू नो कि जो पर्सन हैं पीपल हैं उनको थोड़ी बहुत छूट है देयर इज आ समथिंग यू नो कि उनको कई बार हेलमेट जो है उनको दे हैवन वेरिंग द हेलमेट एंड उनको कुछ बहुत कहें छूट प्राप्त हैं तो इट इज़ अट बिकॉज ऑफ यू नो कि उनके रिलीजन में जो है वो केस कंगा कच्छ और काड़ा जो है वो पहनने के उनके उनके रिलीजन में रूल हैं तो यू you नो know, कि उनको थोड़ी बहुत छूट है तो ये स्टोरी बोर्ड से यू कैन सी ठीक है एंड देयर इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिकॉज यू नो कि सेक्युलरिज्म देखो अभी देयर इज नो एंड ऑफ सेकुलरिज्म अभी नहीं हुआ है ठीक है देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सॉरी हाँ सम ऑफ अबब ऑबजेक्ट आर ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड For example, the first amendment of u s constitution provides uh, prohibits the legislature from uh, from uh, making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free ex, uh, exercise of of religion so there uh, is a यू नो की डेमोक्रेसी है देखो देर आर मैनी चैलेंजेज इन डेमोक्रेसी एंड देर इज यहाँ पर कोई भी जो चीज़ें हैं वो स्टिल नहीं रहती हैं ठीक है चेंजेज आते हैं लोगों को इक्वलिटी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है एंड दे हैव मोमेंट फॉर देयर इक्वलिटी ठीक है टू फाइंड टू टेक आउट देयर इक्वलिटी ओके वट इज मीन बाय द वर्ड एस्टेबलिशमेंट इज़ दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज अ ऑफिशियल रिलीजन सर एज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कि इंडिया में भी क्या है कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन जो है वो इंडिया का नहीं है सो एट इज एज इट इज़ इन अमेरिकन इन यू एस ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेट की uh, वहाँ पर भी रिलीजन जो है वो लेजिलेचर ऑफिशली अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है नॉर्थ कैन दे गिव प्रफरेंस टू वन रिलीजन इन द यू एस ए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स द नदर द स्टेट नो रिलीजन कैन इंटरफेयर इन अफेयर ऑफ एनी अदर ठीक है एनी वन अनेदर सो इट इज़ इन फॉर इंडिया ऑल्सो देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर फ्राम द डोमिनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिजम एज प्रैक्टिसज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सो यहाँ पर यू uh, नो you know की यहाँ पर जो भारतीय जो इंडियन सेक्युलरिज्म है एंड अमेरिकन सेक्ुलरिज्म है देयर इज अ मेन डिफरेंस थिंग बिकॉज ऑफ यू नो की जो अमेरिकन uh, सेकुलरिज्म है वहाँ पर जो रिलीजन है और स्टेट के बीच जो है वो uh, एक सेपरेशन है, है separation between religion and state, ठीक है सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड दट ठीक है अमेरिकन सेकुलरिज्म एंड जो इंडियन सेकुलरिज्म है इन द स्टेट कैन इंटरवेंस इन रिलीजियस अफेयर्स और uh, यहाँ पर क्या है कि uh, भारत में ठीक है इंडिया में यहाँ पर कुछ बहुत छूट दी गई है सो यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंटेड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबोलिस अनटचबिलिटी सो यू नो कि को ख़त्म करने के लिए देर यार हिंदू प्रैक्टिसज में क्या क्या चीज़ें की गई हैं इन इंडियन थे दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेशन फ्राम रिलीजन इट डज़ मेंटेन आ प्रिंसिपल डिस्टेंस विज आवर रिलीजन सो यू नो कि यहाँ पर Uh, जो इंडियन सेकुलरिज्म है वहाँ पर जो स्टेट के जो रिलीजन हैं वो अलग तो हैं बट uh, रिलीजन से उसका जो डिस्टेंस है ठीक है एट इज़ ए प्रिंसिपल वो एक प्रिंसिपल के रूप में है इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो भी जो भी आदर्श हैं जो भी उनकी चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग स्टेट uh, में किसी भी रिलीजन को उसमें हस्तक्षेप या इंटरफेयर करने का देयर इज नो राइट ओके तो ये जो दीज आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज़ और इज़ नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेकुलर प्रिंसिपल सो यू नो कि हमारा जो भी स्टेट है वो सेक्युलरिज्म uh, के प्रिंसिपल के अनुरूप काम कर रहा है नहीं कर रहा है इस बारे में जो है कि डिसीजन ले सकते हैं ठीक है एंड द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन और सेकेंड थिंग जो इंडियन स्टेट ऑफ सेकुलर है सो so, इसको स्टॉप करने के लिए दे रहा है मैनी वेरियस प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स यू नो कि देर आर मैन सिक्स फंडामेंटल राइट्स टू एवरी पीपल हैव टू फंडामेंटल राइट्स एंड यू नो कि हाउ एवर दिस इज नॉट टू से दैट देर इज नो वायलेशन ऑफ राइट्स इन इंडियन सोसाइटी एंड इट इज़ टू बी नो कीव राइट दैट की सबके पास ऑल पीपल हैव राइट की उनके जो अगर वायलेसन होंगे तो दे है in court or high court or supreme court so they can directly go through uh, them and गो थ्रू दैव अपील for their equality ठीक है जो भी उनके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेटेड हो रहे हैं सो बिकॉज ऑफ सच वायलेसन हैपन दैट वी नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग सो द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेसन एंड इनेबल अस टू टेक एक्शन वेन दिज वाइलेसन टेक प्लेसेस सो यू नो कि जब वायलिस होते हैं सो so कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें क्या हैं लिखी हुई हैं एंड देर आर राइट्स एंड देर आर रूल्स सो कॉन्स्टिट्यूशन फिर अपने तरीके से काम करता है सो यू नो की इन दिस चैप्टर वी व रीड अबाउट यू नो कि हम लोग इन स्टोरी बोर्ड से भी यू कैन सी एंड यू कैन रीड दोरी बोर्ड एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट कि किस तरीके से कुछ बहुत लोगों को छूट भी मिली हुई है फॉर देयर रिलीजन एंड इट इज़ टू बी ऑफ़ कोर्स ये उनकी प्राइमरीली uh, भी है कि उनको छूट मिलनी चाहिए ठीक है कई बार ऐसा होता है बिकॉज ऑफ एवरी रिलीजन है डिफरेंट ठीक है एंड जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल देयर इज़ नो फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड और इस्पेसिफिक फेस्टिवल जो है वहाँ सेलिब्रेट नहीं किया जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कि वहाँ पर हॉलीडे uh, रहता है और इट इज़ टू बी गुड दैट देखो हमारे स्कूल में अगर हिंदू हैं तो वहाँ पर यहाँ पर हमारे स्कूल में मुस्लिम भी हैं और अगर सिख हैं तो यहाँ पर क्रिश्चन भी हैं सो ऑल आर इक्वल फॉर द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आप बाहर जाके मना सकते हैं बट टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट सभी इक्वल हैं सो दे हैव इक्वली उनको ट्रीट भी करना चाहिए तो so, ये भी पॉइंट ऑफ नोटेड पॉइंट है ठीक है एंड और आर इक्वल और इंडियन जो है इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है इट इज़ मस्ट ठीक है और इम्पोर्टेंट uh, चीज़ ये भी है सो यू हैव टू कनेक्टेड टू डेली लाइफ दैट यू विल सी देर मैनी देखो इनक्वलिटीज तो अभी भी हैं बट यू नो की मैन मोस्ट ऑफ द पीपल आर सक्रीफा एंड टेक आउट ऑफ यूर टेक आउट देयर सेक्रीफाइस एंड मोमेंट फॉर देयर इक्वलिटी ठीक है और रिलीजन के प्रति तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि यू हैव टू कनेक्टेड यूर डेली लाइफ एंड यू विल सी एंड यूर सोसाइटी और यूर स्टेट और योर डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो इस चैप्टर को इन बिटवीन लाइन चैप्टर को पढ़ना एंड इफ यू हैव एनी क्वारी और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम ट्वेंटी फोर इंटू सेवन डेज ठीक है कहीं पर भी पूछ लो uh, बट पढ़ोगे तो ऑफकोर्स क्वेश्चन करोगे फिर लाइव क्लासेज में मैं ही क्वेश्चन करूँगा ठीक है आपसे ओके हैव अ गुड डे